या तीन तलाक बिल पर महबूबा मुफ्ती का विरोध सिर्फ दिखावा था? आखिर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को क्यों सुनाई खरी खोटी? मोदी सरकार ने आखिरकार संसद के दोनों सदनों से तीन तलाक बिल को पास करवाने में कामयाब हो गए। राज्यसभा में बिल पास होना आश्चर्यजनक इसलिए भी रहा क्योंकि वहां पर मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं था। हालांकि इस बिल को पास कराने में विपक्षी दलों के वॉकआउट मददगार साबित हुआ, लिहाजा अब विपक्षी दल के नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में जुट गए। दरअसल राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर वोटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पीडीपी वॉकआउट कर गई, लिहाजा बिल के पास होते ही जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, इसको लेकर ट्विटर पर दोनों में भिड़ंत हो गई और उमर ने महबूबा को खूब खरी खोटी सुना दी। असल में बिल के पास होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, तीन तलाक बिल को पास कराने की जरूरत को समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे अवैध करार दे चुका था। मुस्लिम समुदाय को दंडित करने के लिए ये अनावश्यक का हस्तक्षेप है। महबूबा का ये कहना उमर अब्दुल्ला को रास नहीं आया। महबूबा के इस ट्वीट पर निशाना साधते हुए उमर ने अपने ट्वीट में लिखा, महबूबा मुफ्ती जी, आपको ये चेक करना चाहिए था कि इस ट्वीट से पहले आपके सदस्यों ने कैसे वोट किया। मुझे लगता है कि उन्होंने सदन में अनुपस्थित रहकर सरकार की मदद की क्योंकि बिल पास कराने के लिए उन्हें सदन में नंबर चाहिए थे। उमर अब्दुल्ला की इस टिप्पणी के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, उमर साहब, आपको ये शोभा नहीं देता क्योंकि आपकी अपनी ही पार्टी थी जिसने 1999 में बीजेपी के खिलाफ मतदान करने के लिए सोच साहब को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले पीडीपी ने तीन तलाक बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन नहीं करने का ऐलान किया था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी तीन तलाक विधेयक के खिलाफ है, लेकिन जब विरोध करने की बारी आई तो उनके सांसद सदन में वॉकआउट कर गए जिसका फायदा सरकार को हुआ और वो तीन तलाक बिल पास कराने में कामयाब हो गए। इंडिया न्यूज़ वाली की रिपोर्ट।